इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का 3 दिन अब तक समाप्त होगा। 3 दिन को खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया अब भी मैच में बरकरार है। अब तक के मैच का बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम पहली इनिंग में 461 रन बनाए हैं और जवाब में टीम इंडिया 296 रन नहीं बना सकी। टीम इंडिया के लिए अजिंक्य रहाणे की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। अजिंक्य रहाणे ने टीम के लिए 89 रन का योगदान दिया, जिसके चलते टीम 296 को स्कोर तक पहुंच सकी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के 173 रन की लीड बाकी रहेगी। 3rd दिन को खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आपकी दूसरी इनिंग शुरुआत कर दी और इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम 123 रन बना लिया, लेकिन 4 विकेट टीम इंडिया झटक लिए। अब अगर टीम इंडिया 4th दिन को खेल शुरू होता ही ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेशन में ही आउट कर दिए हैं और ऑस्ट्रेलिया की लीड ने 400 से कम रख लेगी तो टीम इंडिया मैच में एक बार फिर से बरकरार रह जाएगी। 400 रन को टारगेट 4th इनिंग में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी यो टारगेट असंभव तो नहीं। टीम इंडिया बहुत सी बार 4th इनिंग में 400 रन बनाया ही, लेकिन अगर टीम इंडिया फर्स्ट सेशन में ऑस्ट्रेलिया टीम ने ऑल आउट नहीं कर सकेगी तो यो मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल तो जा रहे हैं। टीम इंडिया की एक और सबसे बड़ी गलती यह होगी कि टीम इंडिया इस मैच में RSV ने 12 बिठा दियो और जिस हिसाब से इस मैच में पिच अब खेल रही है तो इस मैच में RSV की बहुत ही बड़ी भूमिका होती। अगर इस मैच में RSV खेलता तो मैच इंडिया के पक्ष में बहुत जाता। तो अब 4th दिन देखना पड़ेगा टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितना रन पर रोक सके। अगर थाने यो वीडियो चोखो लाइयो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो।